प्रेरणा कथा, हृदय परिवर्तन। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रात के 9 बजे का समय था और उस छोटे से शहर में लोग रात के उस वक्त लोगों के घरों के दरवाजों की घंटियां तो नहीं बजाते थे। मोहिनी सोचने लगी कि कौन हो सकता था उस वक्त। उसने अपने बेडरूम की खिड़की को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा तो पाया कि बरामदे के प्रकाश में एक नौजवान खड़ा था। उसने काली जैकेट, नीली जींस की पैंट पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। तापमान सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस था और ठंड बहुत अधिक थी। मोहिनी सोचने लगी कि वो नौजवान कौन हो सकता था। फिर भी उसने बेडरूम से निकलकर दरवाज़ा खोल दिया। उस नौजवान ने कहा, आप मुझे नहीं जानती हैं, मेरा नाम अनुभव माथुर है, मैं मिस्टर मोहन माथुर का भांजा हूँ। उसने कोने के एक घर की तरफ संकेत करते हुए कहा, वो लोग आज घर पर नहीं है और अब मुझे उनका इंतज़ार करना होगा। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो कि मिस्टर माथुर ने अपनी बहन अर्थात अनुभव की माँ को लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि उनकी माँ अनुभव को उनके पास भेज दे क्योंकि उनको कुछ खास काम था। मोहिनी ने उस चिट्ठी को देखा तो पाया कि वो चिट्ठी मिस्टर मोहन माथुर के लेटर हेड पर ही लिखी गई थी, जिससे साबित होता था कि अनुभव मिस्टर मोहन माथुर का ही भांजा था। मोहिनी तुरंत ही अनुभव को अपने ड्राइंग रूम में ले गई और बोली, श्रीमती मोहन माथुर मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। नौजवान ने हाँ में सर हिला दिया और वो कमरे में पड़े हुए सामान को देखने लगा। एक उस कमरे में एक टेलीविज़न था, एक फ्रिज था और कुछ प्राचीन महंगी सजावट की चीज़ें थीं। लेकिन एक तस्वीर ने अनुभव का ध्यान आकर्षित कर लिया। वो एक अर्धवयस्क पुरुष की तस्वीर थी जिस पर एक माला पड़ी हुई थी। मोहिनी ने उस नौजवान की जिज्ञासा को पढ़कर कहा, आज मेरे दिवंगत पति की दूसरी पुण्यतिथि है। मोहिनी ने जल्दी से फ्रिज से निकालकर कुछ खाने की चीज़ें रसोई में जाकर अनुभव के लिए गर्म करके उसको लाकर दे दी। अनुभव ने पहले तो कहा कि उसको भूख नहीं थी, पर मोहिनी के अनुरोध करने पर उसने कुछ खा लिया। मोहिनी ने उसको गेस्ट रूम में छोड़ते हुए कहा, आज रात को यहीं आराम कर लो, कल सुबह अपने मामा जी से मिल लेना। अपने पति की उस पुण्यतिथि के दिन मोहिनी खुद को बहुत ही अकेली महसूस कर रही थी क्योंकि उसके कोई भी रिश्तेदार उसके पास नहीं थे, उसके अपने बच्चे भी तो नहीं थे। पर उस नौजवान अनुभव को अपने घर में पाकर उसको अकेलेपन में कुछ कमी सी महसूस हुई। अगली सुबह किसी ने बहुत ही सवेरे सवेरे उसके दरवाजे की घंटी बजा दी। मोहिनी दरवाजे की तरफ गई तो दरवाज़ा खुला हुआ था और 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक ने कहा, मैडम क्या आप ठीक हैं? मोहिनी ने कमरे में इधर उधर देखते हुए कहा, अनुभव कहाँ है? पुलिस वाले घर के अंदर आ गए। हमें सूचना मिली कि कल रात को कुछ लुटेरों ने आपके घर को निशाना बनाया था। हमने एक नौजवान को बस स्टॉप पर गिरफ्तार किया है, उसके पास से आपके घर के अंदर का नक्शा मिला था। मोहिनी ने घबराते हुए पूछा, क्या उसकी दाढ़ी थी? नहीं मैडम, उसकी दाढ़ी नहीं थी। मोहिनी ने राहत की सांस ली, न जाने एक अजनबी से उसको इतना लगाव क्यों हो गया था। मोहिनी ने घर में देखा तो सब कुछ ठीक था और एक भी चीज़ गायब नहीं हुई थी, लेकिन वह सोचने लगी कि अनुभव कहाँ चला गया था बिना उसको कुछ कहे। 1 घंटे के बाद मिस्टर माथुर और उनकी पत्नी भी मोहिनी के घर आ पहुँचे। जब उनको मालूम चला कि एक नौजवान मोहिनी के घर उनका भांजा बनकर आया था तो वो बहुत ही हैरान हुए। मिस्टर माथुर ने कहा, मेरा भांजा तो अपने काम से बेंगलोर में है, शायद मेरे चपरासी ने लुटेरों के उस गैंग से मिलकर मेरे नाम वाला लेटर हेड ले लिया होगा और फिर उस पर मेरी तरफ से चिट्ठी लिख दी होगी। कुछ ही दिन पहले मोहिनी ने अपने पति के द्वारा खरीदी हुई एक छोटी सी दुकान बेची थी, उसके बिक्री के 4 लाख रुपए
मोहिनी ने घर में ही रखे हुए थे। बैंक बंद होने के कारण वो पैसे बैंक में नहीं रख पाई थी। उसने देखा कि उसकी अलमारी में पैसे भी सुरक्षित थे। मोहिनी ने एक बार फिर से अनुभव के चेहरे को याद करने की कोशिश की, तभी उसके लगा कि उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा था। उसके बाएं गाल पर एक तिल था और जब वह मोहिनी के पति की तस्वीर देख रहा था तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए थे। बाद में जब मोहिनी गेस्ट रूम की सफाई कर रही थी, उसको एक चांदी का लॉकेट मिला जिस पर आर लिखा हुआ था। वो तकिए के नीचे था और साथ में थी मिस्टर माथुर के लेटर हेड पर लिखी हुई चिट्ठी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सॉरी राहुल। मोहिनी ने उस लॉकेट को उलट पलट कर देखा और दुकान की छाप पड़ी। वो सोने के गहनों की दुकान को पहचानती थी। तभी अचानक उसको याद आया कि अनुभव वास्तव में उसके पति का 10 वर्ष पहले का एक छात्र राहुल सेन था। मोहिनी को 10 वर्ष के बाद भी उसका चेहरा थोड़ा सा पहचाना सा लगा था। मोहिनी के पति एक स्कूल के हेडमास्टर थे और वे अपने छात्रों को उनकी सफलता पर समय समय पर पुरस्कार भी देते रहते थे। उसके पति ने ही मोहिनी को कहा था कि बाजार से एक चांदी का लॉकेट ले आए जिस पर आर लिखा हो। राहुल ने एक औरत को 3 गुंडों से बचाया था और वह लॉकेट उसकी बहादुरी का पुरस्कार था मोहिनी के पति की तरफ से। मोहिनी को याद आया कि उसके पति राहुल को बहुत सी किताबें भी दिया करते थे और उसको घर पर भी मुफ्त में ही पढ़ा दिया करते थे। राहुल एक अनाथ था जो अपने चाचा के परिवार में एक अनचाहे सदस्य के रूप में रहता था। वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। मोहिनी राहुल को बहुत बार स्कूल में मिली थी और वह मोहिनी को बहुत सम्मान देता था। 10 वर्ष पहले उसने एक दिन सुना था कि वो कुछ बुरे दोस्तों की संगत में फंस गया था और टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ा भी गया था एक सिनेमा हॉल के बाहर। उस दिन मोहिनी के पति ने मोहिनी से कहा था, मैंने उसको जितना भी पढ़ाया लिखाया था सब व्यर्थ हो गया। कुछ दिनों के बाद राहुल एकदम ही गायब हो गया था। 9 वर्ष पहले मोहिनी और उसके पति कलकत्ता के पास एक छोटे से शहर में चले गए थे और वहीं पर उसके पति ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बना लिया था। मोहिनी अब उसी घर में रह रही थी। मोहिनी समझ गई कि राहुल में अभी भी कुछ अच्छाई बाकी थी, क्योंकि वह अपने हेडमास्टर के घर से कुछ भी चोरी नहीं कर सका था और उल्टे अपना लॉकेट और कागज पर सॉरी लिखकर चला गया था। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर ने मोहिनी से कहा, मैडम क्या आपको किसी पर शक है? मोहिनी ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। कुछ दिन के बाद मोहिनी ने अखबार में एक खबर पढ़ी कि राहुल नाम के एक लुटेरे ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और बहुत सा चोरी का सामान भी बरामद करवा दिया था। पुलिस ने राहुल की प्रशंसा की और उसको कम से कम सजा की सिफारिश की है। मोहिनी को गर्व हुआ कि उसके पति की शिक्षा व्यर्थ नहीं गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।